हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रेडमी नोट 9 की पावर की सप्लाई और वॉल्यूम अप एंड डाउन की सप्लाई कहां से कहां तक है। अगर आपकी सप्लाई नहीं आ रही है तो आप आसानी से जम्पर देके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे तीनों पॉइंट हैं यहाँ पे। ये हमारी पावर की सप्लाई का पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये हमारा वॉल्यूम डाउन की सप्लाई है यहाँ पर, और ये यहाँ पे हमारे जो है वॉल्यूम अप की सप्लाई है, और ये हमारा ग्राउंड पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पावर की सप्लाई, जो कि हमारा ऑन ऑफ की है। ये हमारा कैपेसिटर दिया है उसकी सप्लाई में, और ये यहाँ पर रजिस्टर, एक कैपेसिटर, उसके बाद ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा यहाँ पर सीधा पावर आईसी में जा रही है इसकी सप्लाई। अब चलते हैं बैक। ये हमारा पावर आईसी है, इसकी सप्लाई पावर आईसी में है। यहाँ से चलते हैं बैक। अब देखते हैं वॉल्यूम डाउन की सप्लाई कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा जूम करते हैं, ये हमारा रजिस्टर है। यहाँ से जम्पर दे सकते हैं अगर सप्लाई नहीं है। ये यहाँ पे भी रजिस्टर दिया हुआ है एक। उसके बाद यहाँ से ये हमारा डायरेक्ट सीपीयू में है इसकी सप्लाई। फिर ये हमारा सीपीयू है, इसकी सप्लाई वहाँ से सीधा सीपीयू में दिया हुआ है इसकी सप्लाई। अब देखते हैं वॉल्यूम अप की सप्लाई। ये हमारा वॉल्यूम अप की सप्लाई का पॉइंट है यहाँ से। ये इसके पीछे दिया हुआ पॉइंट, ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ से जम्पर दे सकते हैं आप, और उसके बाद ये सीधा हमारा पावर आईसी में जाता है। ये देखिए, ये हमारा सीधा पावर आईसी में है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल के साथ।